बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सअप बॉलीवुड। साल 2014 में बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने फगली नाम की फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म को अक्षय कुमार ने प्रोड्यूस किया था। तब से लेकर अब तक कियारा आडवाणी ने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ उन्होंने MS धोनी नाम की एक फिल्म की थी, जिसमें उन्होंने साक्षी धोनी के किरदार को निभाकर सभी को पूरी तरह से हैरान कर दिया था। इसके बाद कियारा आडवाणी को करण जौहर की वेब शो लस्ट स्टोरीज में देखा गया था। इस शो में कियारा आडवाणी के किरदार और उनकी एक्टिंग ने लोगों को काफी अच्छे से प्रभावित किया था। फिर क्या, कियारा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाल ही में कियारा की फिल्म शेरशाह रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने डिंपल चीमा का किरदार निभाया है और फैंस को उनका ये किरदार भी बेहद ही पसंद आया है। अब ऐसे में फैंस जानना चाहते हैं कि कियारा आडवाणी आखिर कौन कौन सी दूसरी फिल्में करती नजर आएंगी। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कियारा आडवाणी की अपकमिंग मूवीज की लिस्ट के बारे में। सबसे पहले बात करें तो कियारा ने शशांक खेतान की अपकमिंग मूवी विकी कौशल और भूमि पेडनेकर के साथ साइन की है। इस फिल्म में पहले वरुण एज अ लीड नजर आने वाले थे, लेकिन किसी वजह से वरुण धवन इस फिल्म से बाहर हो गए और इस फिल्म में एंट्री हो गई विकी कौशल की। भूमि पेडनेकर के साथ विकी कौशल की ये जोड़ी फैंस देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। विकी और कियारा इस फिल्म में पेप्सी गाने पर थिरकते हुए नजर आएंगे। हाल ही में उन्हें शूटिंग के लिए रिहर्सल करते हुए भी देखा गया। इस गाने को तुषार कालिया कोरियोग्राफ करेंगे और इसमें कम से कम 40 से 60 डांसर्स भी नजर आएंगे। इसके बाद बात करें कियारा की दूसरी मूवी की, तो वो शंकर की पैन इंडिया मूवी RC5 में रामचरण के साथ नजर आने वाली है। फिल्म के अनाउंसमेंट कियारा के बर्थडे पर की गई थी। ये फिल्म तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज की जाएगी। अपने बर्थडे पर इस फिल्म के अनाउंसमेंट की खबर को शेयर करते हुए कियारा ने एक स्टेटमेंट में कहा था, डेफिनेटली ये मेरे बर्थडे का अब तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। मैं इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस अवसर को स्क्रीन पर शानदार से दिखा पाऊँ। एक और फिल्म है जो कियारा आडवाणी की झोली में जाकर गिरी है और ये है जुग जुग जियो, जिसमें कियारा वरुण धवन, अनिल कपूर और नीतू कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी। ये फिल्म लास्ट ईयर ही फ्लोर पर चली गई थी, लेकिन कुछ क्रू मेंबर्स को COVID-19 हो गया, जिसके चलते ये मूवी रुक गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म अलग अलग पीढ़ियों की दो जोड़ों की कहानी दिखाएगी, जो शादी के बाद कई परेशानियों में उलझे हुए हैं। फिल्म का डायरेक्शन राज मेहता कर रहे हैं, जो इससे पहले कियारा आडवाणी को गुड न्यूज में डायरेक्ट कर चुके हैं। इसके अलावा कियारा के पास एक और मूवी है और वो है अनीस बज्मी की भूल भुलैया 2, जिसमें कियारा कार्तिक आर्यन और तब्बू के साथ काम करती दिखेंगी। ये फिल्म साल 2007 की मूवी भूल भुलैया का सीक्वल है, जिसमें अक्षय कुमार और विद्या बालन के साथ साथ अमीषा पटेल ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। तब्बू और कार्तिक फिलहाल फिल्म के बाकी हिस्सों की शूटिंग कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही फिल्म की शूटिंग की थी, लेकिन बाद में चल रही महामारी के कारण इसे रोक दिया गया था। ये फिल्म 2020 जुलाई में ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन पैंडेमिक के चलते नहीं हो पाई। इसके बारे में बात करते हुए फिल्म के मेकर मुराद खेतानी ने कहा था, हमने रिलीज डेट की कोई प्लानिंग नहीं बनाई है, लेकिन भूल भुलैया 2 जब भी फिल्म तैयार होगी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में अमर उपाध्याय और राजपाल यादव काफी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले करते दिखेंगे। पर क्या आप कियारा आडवाणी की इन सभी फिल्मों को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट्स में हमें बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड।